अरे उड़ गए बहुत आड़ बहुत आड़ आसमान की ऊंचाइयों में अब नहीं करेगा आप कुत्ते मारो मांगने पर जहाँ पूरी हर मन्नत होती है माँ के पैरों में ही तो वो जन्नत होती है। तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। अब देखो आप लोग काफी दिनों से मुझसे कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि भैया उड़न तस्तरी को उड़ाओ, पर यार मैं आपको एक सच बात बता दूं तो मैं एक बहुत हैवी ड्राइवर हूं और जब जब भी मुझे उड़न तस्तरी मिली है तो वो उड़ने लायक बची नहीं है भैया। लेकिन आज पता नहीं कैसे है पर जैसे तैसे मैं उड़न तस्तरी को आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता हूं और वो सीन देख के आपको बहुत ज्यादा मजा टाइप का आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा भैया। और साथ ही इस मैच में हम एडब्ल्यूएम से कुछ बंदों को ट्रोल करेंगे तो पैसा भी वसूल हो जाएगा। पर फिलहाल हम उतरे नोबर अपनो है और यहाँ उतरते ही मुझे गनमर मिल जाती है तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ और देखो यार बंदों को कैसे निपटाता हूँ। अन्ना ये पहले फेंक दिया मैंने, अब आप फेंको। मैंने फेंक दिया। अरे मेरे बारे में फेंक के रुको, मैंने फेंक दिया। रुको बेटा, मैंने फेंक दिया। अरे एक नॉक। अरे वाह, ऊपर ना उतरते ही बंदों को जब पेलना करता हूँ शुरू कि उतरते ही बंदों को जब पेलना करता हूँ शुरू मेरे टीममेट भी मुझसे बोलते हैं ये बढ़िया था गुरु। तो यार यहाँ पे दो टीम के बीच में मतभेद चल रही थी, अब कौन किसकी टीम का है ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, पर आपको तो पता ही होगा अपना उसूल है, कद्दू कटेगा तो बराबर पटेगा। तो यहाँ पर जितने बंदे देखे सबकी मैंने पेटी बनाई और उसके बाद जैसे ही हम दोबारा गोलाबाजी करते हैं तो एक बंदा और ट्रेस होता है। मन लगा के भाग रहे थे एकदम जिंदगी की रेस में कभी धूप तो कभी छाया कि जिंदगी की रेस में कभी धूप तो कभी छाया तुमको नहीं पता। मैं कुत्ता काट के खाया। अब देखो डेली नॉक होना तो मेरी आदत सी बन गई है, क्या करूं ओ लेडी मैं हूं आदत से मजबूर। तो यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ पर मेरे माटी के शेर मेरा लाल मेरा हीरा लोमड़ी का दूध पी के पला है ये जगीरा ने मुझे बचा लिया। पर उतना ही उस नॉक बंदे के टीममेट जाते हैं और फिर मारना मत। अरे खतरनाक, क्या मुझे अरे पिस्टल वाला क्या और यहाँ पे बंदा कट्टा लेके जाता है, कट्टा मेरे हाथ में चलो मेरे साथ में। तो हम भी इसके पीछे पीछे भागते हैं और देखो यार ये कहाँ पकड़ में आएगा। एक और है ठीक है, समझ के आगे पीछे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। और फाइनली ये कट्टा वाला बंदा हमें पकड़ में आई जाता है यार। तो इसकी मैं पेटी बनाता हूँ और उसके बाद हमें हमारे सम्मानी आदमी बोर्ड दादा मिलते हैं तो इनको निपटा के मैं लूटा लाटी कर ही रहा होता हूँ। उतना ही में ये सीन होता है यार, रस तो किस तरह फेंक देता है मुझे समझ नहीं आता यार। मैं पहले ही फेंक देता लाइक जब ये क्या लाइक जब ये अच्छी है। कठिन मेहनत करने से हर मंजिल और मुकाम मिल जाता है, जब फौजी मारता है बंदों को तो पूरा सर्वर हिल जाता है। अब देखो ये बंदा टावर में बैठा था, नहीं टावर में लेटा था और लेट के शॉटगन चला रहे थे चाचा। कोई सेंस है इस बात की? कोई सेंस नहीं भैया, उतनी दूर से शॉटगन की सिर्फ आवाज ही बस सकती है, गोली नहीं लग सकती। खैर जो भी हो इन सबकी मैं पेटी बना देता हूँ और इसी के साथ नोबर अपना पूरा खाली हो जाता है। तो हम लोग लूट लग करके सीधा इस तरफ आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक फ्लेयर चली थी और यहाँ आते ही देखो क्या सीन होगा। मैं डाल रहा हूँ ठीक है, डालो वो अरे ऊपर बैठा ऊपर टोपी पे। और यहाँ गोलाबाजी करते ही पता चलता है कि दो बंदे हैं जिनमें से एक बंदा निंजा टेक्निक करके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो देखो यार अब हम उनको कैसे निपटाते हैं। ज्यादा हो सकते हो
नीचे कूद गया। तू अपनी गन को मैक्स करके किल फीड में नाम तो चलाएगा, लेकिन जैसे हम मारते हैं बंदों को वैसी स्किल्स कहां से लाएगा। तो यार फाइनली मैं फ्लेयर वाली टीम की भी पेटी बना देता हूँ, पर इस क्लच के लिए एक लाइक तो बनता है यार, तो लाइक के काले बटन को ठोकना मत भूलना। खैर इनको निपटाने के बाद मुझे ड्रॉप से मिल जाती है ग्रोजा और AWM, तो आपको धोखे से हेडशॉट जरूर देखने को मिलेंगे। पर फिलहाल मैं पोचंकी की तरफ आता हूँ और यहाँ आते ही ये सीन होता है। इतनी शांति से बैठे थे, मैं गोला फेंक रही हूँ, कोई नहीं फेंकेगा, पहुंच जाएगा। तो पीछे से कोई बंदा हमारे ऊपर छलकपट करने की कोशिश करता है, तो हम यहाँ पे गाड़ी रोकते हैं, उसके बाद गोलाबाजी करते हैं, और फिर पता चलता है कि ये एक ही बंदा है, तो मैं आगे जाता हूँ। पर ये नहीं यार, बहुत होगा वो पीछे गाड़ी, गाड़ी पीछे से गाड़ी आ रही है। अरे पीछे पूरी स्क्वाड आ गई। तो यार जैसे ही मैं इस बंदे को नॉक करता हूँ, उतने में पीछे एक दूसरी सकोट जाती है, तो देखो यार अब आगे क्या ही सीन होंगे। नहीं मेरे को मत मारो, बच जाओगे गोलों ने। नाइस स्मोक कर दिया। अरे ये एक नंबर यार, रनिंग शॉट। स्नाइपिंग करने दे अपने भाई को, तू एक साइड हो जा, करूंगा पहले किसी एक को नॉक, फिर रस करूंगा हाथ में लेके ग्रोजा। तो यार यहाँ पे एक नहीं मैं दो दो बंदों को नॉक कर देता हूँ, तो सबसे पहले भैया इस हेडशॉट के लिए लाल बटन को काला करना मत भूलना। खैर उसके बाद हम डायरेक्ट रस करते हैं, पर देखो यार क्या ही सीन होगा। चाहे छिप जाओ तुम घरों में या बन जाओ कहीं सांप, हाथ में बेटा ग्रोजा है जिससे नहीं पड़ता फौजी को पाप। तो यार यहाँ पे बंदा सांप बना हुआ था, जो कि जादू भैया को डस लेता है यार, क्योंकि सांप का चक्कर मौत से टक्कर। पर जैसे तैसे मैं इस बंदे को निपटा देता हूँ और इसी के साथ अपने टीममेट को भी बचा लिया था। तो भैया अब तो सब्सक्राइब बनता है ना यार, तो सब्सक्राइब पे लाल बटन को ठोकना मत भूलना। और अगर आप सच में सब्सक्राइब कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किस बंदे ने इस वीडियो को देख के सब्सक्राइब किया। ओ भाई आओ बैठो, कमर में हाथ रखो, बहुत बढ़िया। ऐसे नहीं उड़ेगा, पहले एक तरफ। नहीं पेड़ में नहीं चढ़ना, सीख के चला। ले भोसड़ी के बेटे बेटे, ओ बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अब देखिए यार मैंने सोचा कि लड़की साथ में बैठी है तो इसको आसमान की सैर करा के इम्प्रेस कर दूंगा, पर ये पेड़ की टहनियों ने पूरा काम बिगाड़ दिया यार। खैर उसके बाद मैं दोबारा ट्राई करता हूँ और देखो आप। अरे ओ गजा, पेट्रोल का भी ध्यान रखना। आसमान की ऊंचाइयों में अब नहीं करेगा कुत्ते में। पर पेट्रोल का ध्यान रखना ठीक है। होगा सीधा। अरे अरे अब देखे यार आज मैं पहली बार आसमान की ऊंचाइयों पर तो आ गया था, पर मैं जानता हूँ कि जैसा हैवी ड्राइवर मैं हूँ वैसे आप में से कुछ तो होंगे, तो उनको मैं आसमान की सैर करना सिखाना चाहता हूँ। तो भैया सबसे पहले इस उड़न तस्तरी को सीधा रखना है जमीन में, और ढलान हो तो और अच्छी बात है, और उसके बाद जो इंक्रीज बटन है सबसे नीचे उसको टैप करते जाना, दबाए मत रखना, क्योंकि अगर दबाए रखोगे तो नहीं उड़ने वाला भैया। खैर उसके बाद जब आपके प्लेन की 65-70 की स्पीड हो जाए तो आपको भैया एक्सेंड बटन में क्लिक करना है। अब ये इंग्लिश में बड़ा कठिन से नाम है
एक्सेंट लिखा है क्या लिखा समझ में नहीं आया, पर जो भी लिखा हो इसमें आपको टैप करते जाना है, दबाए मत रखना। और जब आप आसमान में पहुंच जाओ तो सारी बटन को छोड़ देना, अपने आप बिंदास उड़ेगा यार। बस पेट्रोल बहुत जल्दी खत्म होता है तो दो चार डिब्बा रख लेना साथ में। एक और मिल गया, एक और ग्लाइडर मिल गया। अरे बहुत चलाएंगे। आजा आ रहे जाते सर। मैं आऊंगा तू गाड़ी लेकर, कहाँ पर है? मैं लेके आ रहा, तू गाड़ी चलाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पेट्रोल खत्म हो जाता है और साथ में जियो का 399 वाला नेट पैक भी। तो मैं रिचार्ज करवाता हूँ, उसके बाद जब नेट आ जाता है तो मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ और तभी देखो यार क्या सीन होगा। तो यहाँ पे जादू को एक और उड़न तस्तरी मिल गई थी, तो मैं उसको बोल रहा था कि प्लीज यार नीचे आके मुझे भी ले चलो, पर उतना ही ये बंदा पीछे से हमारे ऊपर छलकपट करता है। तो मैं पट्टी पट्टी लगाता हूँ और देखो यार अब हम इसको कैसे निपटाते हैं। लो मैं नेट देती हूँ। पीठ पीछे बार क्यों करता है, सामने से टक्कर ले अगर दम है, जो कर दे तेरी हड्डियों का चूरा, फौजी ऐसा परमाणु बम है। बोलो जय श्री राम। तो यार फाइनली मैं इस बंदे को भी निपटा देता हूँ और उसके बाद हमारी दोनों उड़न तस्तरी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो हम अपनी कार से आगे की तरफ जाते हैं, पर उतना ही में ये सीन होता है। तो सामने की तरफ कुछ बंदे होते हैं तो हम यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं और देखो यार आप सस्ती स्नाइपिंग। और क्या बहुत हार्ड और दिखा बंदे। ये नहीं मुंडी। जाना है मुझे बहुत आगे, अच्छे से अच्छा खेलना मेरे इरादे हैं। जो लोग जानते नहीं मेरे बारे में वो पूरे सर्वर में मुझे हैकर बताते हैं। तो यार यहाँ पे मैं बैक टू बैक दो बंदों को नॉक करता हूँ और उसके बाद इन चाचा को पैरशॉट भी मारा था, पर अब कोई भी बंदा इनका मुंडी नहीं दिखा रहा था तो हम रस करने की सोच ही रहे थे, पर उतना ही में ये सीन होता है। चलो आगे नॉक कर दे ना, और नॉक करेंगे आगे। इंग्लिश में बालों को बोलते हैं हम हेयर। भाइयों अगर स्नाइपिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ अपने एक दोस्त को भी कर देना शेयर। तो यार यहाँ पर मैं एक और बंदे को नॉक करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ आके खड़े होते हैं, पर भैया कोई भी बंदा मुंडी दिखाने को तैयार है नहीं यार, क्योंकि सबका लेवल 3 का टोपा टूट चुका है। तो फिर मैं इस घर में आता हूँ और निंजा टेक्निक ट्राई करता हूँ और देखो यार अब क्या होगा। बेशक फौजी का स्प्रे सस्ता है, पर आज सस्ते स्प्रे से ही पूरी स्क्वाड को खाएंगे। जब आए हैं आज रंगल में तो चिकन डिनर भी लेके ही जाएंगे। तो यार यहाँ पे इस बंदे को मैं पत्तों में एडजस्ट करके नॉक कर देता हूँ और उसके बाद हम डायरेक्ट रश करते हैं, पर उतना ही मुझे इस घर से भी एक बंदे की फर्स्ट टैप आती है। तू चलाता होगा M4 Max क्योंकि तेरे पास बहुत ज्यादा मनी है, लेकिन ड्रॉप में मिलने वाली ग्रोजा सिर्फ फौजी के लिए बनी है। तो यार फाइनली इस बंदे को निपटा के हो जाता है चिकन डिनर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल में नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ ही अपने एक दोस्त को शेयर कर देना तो मुझे भी मजा टाइप कर जाएगा। खैर जाते जाते आपसे एक बात कहूंगा,
लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो आप अपने काम में फोकस करो, लोगों को जो कहना है कहने दो। जिस दिन आपने लोगों की न सुन के अपने लक्ष्य में फोकस कर लिया, याद रखना उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। और हाँ, अच्छे दिन आते नहीं है, लाना पड़ता है। तो बस भाई लोग, आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।